तो क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता सब कुछ बढ़िया होगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम दोबारा खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। मैं ज़रा गेम में ना थोड़ी सी चेंज लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने उसके लिए किए हैं शेडर्स पैक यूज़ किए हैं। मेरे पास दो हैं, BSL और स्लिदरस वेब्रेंट शेडर्स, मुझे बोलना नहीं आता। तो मुझे इन दोनों में से ये सेकंड वाला मुझे अच्छा लगा, तो मैं वो यूज़ करने लगा हूँ। और बताना मुझे गेम, ये जो शेडर्स हैं वो किस तरह के हैं। हाँ, तो कमेंट्स में बताओ कि ये शेडर्स किस तरह के लग रहे हैं, क्योंकि मेरे लिहाज से तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और भाई साहब, ये देखो, शेडोज़ देखो भाई। मुझे बाकी मैंने जितनी मैंने देखी हैं, तो मुझे उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा है। ओ भाई, शीशे भी देखो यार। टेक्सचर पैक तो मैंने नहीं किया शेडर्स के अंदर, चलो कोई नहीं। और मैंने घर में भी थोड़े से चेंजेस लेके आया हूँ। मैंने ये जो है चेस्ट है वो मैंने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और मेरे सारा सामान वैसे का वैसे ही है। हाँ, हम पिछले पिछली बार गए गए थे, हम अपनी नेदर ट्रिप थी हमारी, तो वहाँ से हमें मिले थे ये ब्लेज रॉड्स। हम इसे कर सकते हैं ब्रूइंग कर सकते हैं, हम इसे ये बना सकते हैं। और ये जो है नैदर वॉर्ड्स, जो मैंने अपने यहाँ पर नैदर वॉर्ड्स उगाए थे, और वो मैंने जब तोड़े तो ग्लिच हुआ और मेरे सारे नैदर वॉर्ड्स चले गए, सोल सैंड भी। और मैं कह रहा था कि अगले एपिसोड में जाऊँगा मैं, और अभी सो जाते हैं। सोना ये भी यहाँ पर है, अपने लिए स्पेशल कमरा बनाया है, VIP का कमरा है। मस्त लग रही है यार, ये शेडर्स मैंने यूज़ कर करके बहुत अच्छा किया है भाई। ये देखो, ये जो उसका शेड आ रहा है वो भी दर हो रहा है शो। ये मस्त है चीज़। इस वीडियो के लिए हमारे पास टू डू लिस्ट भी है। सबसे पहला काम हमने करना है कि हमें विलेजर्स के लिए हमें बनाना है ट्रेडिंग हॉल, जहाँ पर हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। और नंबर टू है, हमें बनाना है अपने लिए इंचेंटिंग एरिया। हमारे पास है लेकिन उसके लिए बुक शेल्स नहीं है, तो बुक शेल्स बनानी हमने। नंबर थ्री, अपने आर्मर पर वन ऑफ द बेस्ट इंचेंट्स करनी है। हमारे पास अभी क्या है, प्रोप वन, प्रोप वन, प्रोप वन, सिर्फ प्रोप वन है। और हमने अपने टूल्स को भी अच्छी तरह बनाना है, और उसके लिए हमें XP चाहिए, तो वो काट देते हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखेंगे। या फिर अगर हमारे पास XP हुई तो ठीक है। और मैंने अभी अभी गौर किया भाई, बादल क्या मस्त लग रहे हैं। और मैंने ये जो है अपनी इनको किया था, ब्रीड किया था, और मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है, ये बहुत आवाज़ हो रही। और हमारे पास एक ट्रेडर भी आया हुआ है। इसके पास क्या क्या है भाई, बहुत आवाज़ हो रही है, पोर्टजोल है वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आई एम सॉरी फॉर दिस। हाँ, हमें मिल गए लीड्स, ये अच्छा हो गया। हाँ, मुझे याद है ये तो थूकते भी हैं, लेकिन मैं इनको रखूँगा। हम जाके देख के आते हैं हमारा जो है विलेज वो कैसा है। वही जंगलों में खो गया, मेरे को दिख नहीं रहा कहाँ पर है हम। विलेज है भी हमारा कि नहीं, यहाँ के जंगल कहाँ गए, हीरो ब्रेन आ गए जाक के अलावा। यार यहाँ पे तो आग लगी है नहीं, हीरो ब्रेन मजाक के अलावा, यार यहाँ पर कोई आग वगैरह है नहीं। और जिनको नहीं पता हीरोब्राइन कौन है, हीरोब्राइन है एक माइनक्राफ्ट का, समझ ले ऐसा बग टाइप है, वो एज अ हॉरिफाइंग लोग समझते हैं। और वो क्या है, वो क्या है, अच्छा वो है, ठीक है। मैं क्या कुछ चीज़ फ्लोट कर रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था हीरोब्राइन के बारे में। हीरोब्राइन बहुत ऐसा कैसे भूत टाइप है, क्या नाम है यहाँ के माइनक्राफ्ट में, भूत टाइप। और लोग उससे बहुत डरते हैं, वो आके आपका
जीना हराम कर देता है। मुझे लग रहा पता नहीं क्यों, मुझे कमेंट बताना अगर कोई बंदा दिखे मेरे अलावा एज अ स्टीव उसकी आंखें ना हो। अगर पानी आ गया हूँ भाई, देखो रिफ्लेक्शन तक आ रही है, हिल भी रहा है और ये भी चीज़ हिल रही है भाई। शेडस मैंने करके बहुत अच्छा किया। तो ये है, तो यहाँ से हम उनको लेके जाएंगे बोट पर। या मुझे फिर से लग रहा है यार ये हीरोब्राइन हो सकता है, देखना। हाँ हीरोब्राइन जब भी आता है तो उसके कुछ साइंस होते हैं। नंबर वन, ये पेड़ के लीव्स नहीं होते, एक छोटे से स्पेसिफिक एरिया के जो भी हैं लीव्स वो हो जाते हैं ख़त्म। जैसे ये है, यहाँ पेड़ है लेकिन लीव्स नहीं है, लेकिन थोड़े से हैं। सेकंड होता है अपने आप आपके घर पर आग लगना बिना किसी चीज़ के, और बाकी का मुझे पता नहीं, सिर्फ इतना पता है मुझे। मैं वुड ये डार्क ओक यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या, मेरा घर भी डार्क ओक से बना है तो उनका भी थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा अलग हो, तो मैं उसके लिए जाऊँगा जो हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था, स्प्रूस बायोम। मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से लेके आऊँगा, और सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि इंचेंटिंग के लिए भी चाहिए ये चीज़। ये तो हो गया और मुझे रात भी हो गई है, सो मैं पहले सो जाऊँ। मैं क्या सोता नहीं अभी, वैसे चलता हूँ वहाँ जाके, मैं कर भी लूँगा, एक्सपी भी इकट्ठी कर लूँगा। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। मैंने बुकशेल्फ बनाई है थोड़ी सी, सिर्फ इतनी बनी है, और इंचेंट पन कितने की होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि रात में माइनक्राफ्ट शेडर्स की तरह किस तरह लगेगी, और बहुत अच्छी लग रही है। मैं जरा अपनी बालकनी में जाकर देखता हूँ। मून भाई देखो रियल लग रहा है बिल्कुल। तो मैं कह रहा था कि इस शेडर्स के साथ जो दिन है बहुत जल्दी गुजर रहा है, मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, 5 से कम मिनट, और इतनी स्पीड में हो रहा है। और मैं देखना चाहता हूँ कि हम कौन से डे पर हैं। हम डे 35 पर हैं, और इसके लिए आज से हम बहुत जल्दी हैं, हमें डायमंड आर्मर मिल गया वगैरह वगैरह टूल्स हैं हमारे पास। कमेंट्स में बताओ कि मैं टेक्सचर पैक यूज़ करूँ इसके साथ कि नहीं, क्योंकि टेक्सचर पैक का होता है कि आपके जो है आइटम्स हैं वो भी आपको अलग अलग दिखेंगी, रियल लगेगा बिल्कुल। ये रियल सिर्फ हमें क्या नाम है मौसम और ये लीव्स लग रहे हैं, वो बिल्कुल ही रियल लगता है उससे। भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ, वो कहाँ पर है वो, मुझे स्केलेटन मेरे पीछे पर, हाँ वो रहा ना जगह। तो मैं निकल रहा हूँ, फक ऑफ मस्त है। वो मेरी गेम थोड़ी सी लैग हो रही है, लेकिन ठीक है, खेलने लायक है। देखो ना थोड़ी सी लैग हो रही है, पहले तो नहीं हो रही जब मैंने शेडर्स किए थे, जब मैंने न्यू ट्राई किए थे। तो मैं कह रहा था ये जो एरिया है यहाँ पे बनाऊँ मैं, यहाँ से सीढ़ियाँ जाएँ ऊपर की तरफ, और हमारे ये तब तक हो जाएंगे ये, और मैं बाद में आके हार्वेस्ट कर लूँगा। लेकिन उसके लिए एरिया हमें माइन करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हुआ हुआ है पहले का, देखो ना इतना हुआ हुआ है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। माइनिंग के लिए बस तुम लोग सब तक देखो माइनिंग मोंटाज।
तो मैंने एरिया थोड़ा सा माइन कर लिया है, तो थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा माइन कर लिया है, फिर भी इतना टाइम लगा है, इतने ज़्यादा कोबलस्टोन, एक दिन हो गया माइनक्राफ्ट का। तो मैंने थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा किया बड़ा, मैं कह रहा हूँ दो इस तरफ को होर कर दूँ बड़े। चलो ठीक है, हाँ तो दो कर दिए, तो प्लेटफॉर्म बड़ा तो है, अब बनाऊँ मैं अभी बनाऊँ या फिर रात को, क्योंकि रात हो गई है, रात को नहीं रात हो गई है, बना लेते हैं, क्या जा रहा है भाई। मैंने अभी आधा सा बनाया, आधा भी नहीं है अभी तो स्टार्टिंग है, सिर्फ मैंने पिलर्स बनाए हैं और मेरी वुड ख़त्म हो गई, बहुत टाइम लगने वाला है बहुत। मैं कह रहा हूँ अभी मैं सीढ़ियाँ ना मैं बना लूँ, दो स्टैक हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता यार। डॉग भी है मेरे पास, क्या बोन है? मेरे पास बोन नहीं है, लेकिन हमारे जो माइनक्राफ्ट रैंडमाइजर वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने अपना डॉग किया हुआ है, मतलब टेम किया हुआ है, तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, जाकर देख लेना, बहुत अच्छी है। जिनको नहीं पता रैंडमाइजर क्या है जाके वो वीडियो देख ले, सब पता चल जाएगा। 47 इनफ होने चाहिए। मैं ये वाले भी काट लेता हूँ ट्री, क्योंकि ये भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर मॉब स्पॉन हो रहे हैं और मेरे पास टॉर्चेस हैं लेकिन कम है, बना सकता हूँ, बना लेता हूँ, ये जगह रोशनी रखते हैं। पिलर्स तो हो गए हैं, अब बाकी मैं इससे बनाऊँ और दूसरे से, सिर्फ इससे बना बनाता हूँ अच्छा रहेगा। और मैं कहता हूँ ग्लास हो ऊपर, फुल ना हो लेकिन थोड़े थोड़े एरियाज हों उसके। हाँ तो वेलकम बैक, थोड़ी सी अपडेट दूंगा, मैंने घर बना लिया है और मैंने विलेजर्स भी लेके आ चुका हूँ। जब मैं विलेजर्स को लेके आ रहा था वो पार्ट मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस नहीं किया तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं एंड रिज़ल्ट दिखाता हूँ क्या हुआ है, तो ये रहा एंड रिज़ल्ट, टडा। हाँ तो ये है, तो बाहर से इस तरह का दिखता है हमारा घर, हमारा नहीं विलेजर्स का। मैंने फुल लोडिंग किया बर्ड्स के, ये ओक है और बाकी समझ लग जाएगी आपको, और मैंने ब्रीडिंग करवाई है थोड़ी सी, तो चार हो गए, वैसे चार होने नहीं चाहिए थे, मैंने सिर्फ एक बार इनकी करवाई है ब्रीडिंग। हाँ तो मैंने ऊपर लगाया ग्लास और ये ग्लास ताकि इनको व्यू अच्छा है। हाँ और मैंने कहा था कि हमने बनाना है ट्रेडिंग हॉल, लेकिन ये है ब्रीडिंग रूम है, और यहाँ से हम एक रास्ता बनाएंगे, उसके बाद वहाँ पर बनाएंगे ट्रेनिंग हॉल, या फिर इसी जगह को हम कर देंगे ट्रेनिंग हॉल में कन्वर्ट, और जो है ब्रीडिंग एरिया उसे हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। वीडियो पता है थोड़ी सी छोटी है, मतलब छोटी वैसे है नहीं, मैंने काट कूट के थोड़ी सी छोटी कर दी होगी, तो उसके लिए सॉरी। अगली बार मैं फुल कोशिश करूँगा कि मैं मिनिमम 20 मिनट की वीडियो बना लूँ। मैं कमेंट बताओ वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों और कज़नों के साथ शेयर कर दो ताकि ये यूट्यूब कम्युनिटी थोड़ी सी बढ़ सके, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाया करो ताकि आने वाली वीडियो मिस ना कर दो, और मैं चला इस तरह के बेहतरीन गेम्स खेलने। तब तक के लिए बाय बाय।